सो फ्रेंड्स, आप लोग के सवाल आ रहे थे कि भाई हम जो है वो अगर माइनिंग रिग लगाते हैं तो यार देखो अभी इथेरियम क्लासिक तो प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि भाई हम यहाँ पे मोनेरो कॉइन कैसे माइन कर सकते हैं और कितने माइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे से आपको जितने भी ये ग्राफिक कार्ड देखने के मिल रहे हैं ना आगे वाले, ये सारे के सारे आपको देखने के मिल रहे हैं 3060 Ti, जो है एक LHR ग्राफिक कार्ड। और एक ये पीछे जो ग्राफिक कार्ड है, मैं आपको एक बार नज़र मारवा देता हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला जो है ग्राफिक कार्ड, ये आता है कलरफुल की तरफ से आने वाला 3060, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो ग्राफिक कार्ड हैं वो है यहाँ पे 3060 Ti, जो LHR ग्राफिक कार्ड है। अब दोस्तों मदरबोर्ड भी आप देख सकते हो, गेमिंग OC मदरबोर्ड लगा हुआ है MSI की तरफ से, और ये मेरे पास एक सेकेंडरी मदरबोर्ड पड़ा हुआ था जिसको मैंने नॉर्मल CPU के लिए बनाया हुआ था, नॉर्मल सिस्टम के लिए वो पड़ा हुआ है, जिससे मैंने उससे भी माइनिंग चालू कर रखी है। तो चलो अब जानते हैं कितनी हैश रेट मुझे मिल रही है मोनेरो कॉइन के अंदर, और प्रॉपर हम बताएंगे कितना प्रॉफिटेबिलिटी मुझे आज के दिन पे इस टोकन के ऊपर जनरेट हो रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने हमको टेलीग्राम चैनल के अंदर फॉलो नहीं किया है तो यार वहां पे जाके फॉलो कर लो, क्योंकि सब साइबर टोकन लॉन्च हुआ था ना, मैंने उसी टाइम यहाँ पे आपको बता दिया था कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है वो $200 से $300 का प्रोजेक्ट है। मैं इवन जिम में था, जिम में मैंने वीडियो शूट करी आप लोगों के लिए और बोला ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो सकता है, और जैसे ही $1-2 के आसपास ट्रेड करने लगे तो यहाँ पे आप जो है वो होल्ड करके रख सकते हो। और जैसे ही यहाँ पे इसका फार्मिंग पीरियड एंड हुआ तो भाई वैसे ही ये टोकन ने $13 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई को नहीं कहेंगे इस वीक का हाई दिखाया। लेकिन दोस्तों अब आज की इस वीडियो के अंदर ना हम बात करने वाले हैं कि मोनेरो कॉइन के अंदर कितनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी निकल सकती है और यहाँ पे आप जो है वो ग्राफिक कार्ड के थ्रू कैसे माइन कर सकते हो। तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, 1 मोनेरो कॉइन माइन होने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा और कितना प्रॉफिटेबिलिटी आज के डेट के हिसाब से मोनेरो कॉइन के अंदर निकलती है। तो भाई अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है क्रिप्टो माइनिंग के अंदर या क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जो है आप रुचि रखते हो तो फॉलो और सब्सक्राइब के बटन को हिट कर देना, क्योंकि हम लोग अपने चैनल के अंदर रियल अर्निंग वेज के बारे में बात करते हैं। हम कोई आप लोगों से ये नहीं बोलते हैं कि भाई इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो आपका इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो बातें बहुत हो गई, लेके चलता हूँ आपको मैकबुक की स्क्रीन के अंदर, जहाँ पे हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कितना प्रॉफिट आज की रेट के हिसाब से यहाँ पे निकल रहा है। और मैंने अभी अभी आप लोगों के लिए यहाँ पे माइनिंग सेटअप रेडी करा हुआ है, मतलब ये सेटअप तो बहुत पुराना है मेरा, लेकिन आप लोगों के लिए आज के डेट के हिसाब से मैंने माइनिंग मोनेरो के अंदर ग्राफिक कार्ड के थ्रू चालू करी हुई है। अब देखो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अब क्लियर कर दूँ, यहाँ पे हमारा कॉइन जो है वो मोनेरो माइन हो रहा है। मैं सिंपली अभी हाइव OS के अंदर हूँ। देखो अगर आपको ये प्रॉपर रिग रेडी करनी है, कैसे रेडी करनी है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने एंड से अपने घर में इसको रेडी कर सकते हो, जिसके लिए ये वाली वीडियो आप देख लो, आई बटन में आपको उसका लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। आपको यहाँ पे मदरबोर्ड चाहिए होगा, साथ ही साथ CPU चाहिए होगा, ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा और यहाँ पे पावर सप्लाई चाहिए होगी, और साथ ही साथ आपको रैम की नीड होगी, दैट इज इतना ही बहुत है। और यहाँ पे आपके पास एक पेन ड्राइव हो तो भाई वेल एंड गुड, आप ये दो वीडियो देख लेना जहाँ पे आप अपनी माइनिंग रिग को घर में रेडी कर सकते हो। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे से आप कौन कौन से माइन कर पाओगे कॉइन्स और यहाँ पे मोनेरो कॉइन के हिसाब से आपकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी निकलने वाली है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, टोटल हैश रेट यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे वाले माइनर से मेरी निकल रही है यहाँ पे 967.3 की हैश रेट और वहीं ऊपर 5009 की हैश रेट। अब यहाँ पे हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये यहाँ पे बन जाती है 1.468 किलो हैश रेट, मतलब यहाँ पे जो रैंडम एक्स की एल्गोरिदम है वो यहाँ पे आपकी किलो हैश में ही काम करती है और नॉर्मल हैश रेट के अंदर काम करती है। अभी पिछली वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कैसे आप अपने CPU से माइन कर सकते हो, लेकिन अब बात करेंगे हम GPU से कैसे माइन कर सकते हो। देखो आपका हार्डवेयर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आपके हाइव OS के अंदर कितने GPU लगा रखे हैं आपने, मैंने 9 GPU लगा रखे हैं, तो भाई यहाँ पे 9 GPU लगा रखे, मतलब 9 GPU यहाँ पे दिखा रहा है और 1 GPU वर्क नहीं कर रहा है। वो वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे रैंडम एक्स 3060 के साथ अच्छी तरीके से कंपेटेबल नहीं कर रहा है मेरे 3060 के साथ, लेकिन हाँ बाकी के जो GPU हैं वो वेल एंड गुड तरीके से काम कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा जानता हूँ ये आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, थोड़ा सा मैं आपको इसको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैंने 2 CPU और 2 मदरबोर्ड इस्तेमाल करे हुए हैं, जहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक है यहाँ पे रिग E8 और दूसरा है यहाँ पे रिग F9।
मतलब यहाँ पे मेरे पास दो मदरबोर्ड है, एक है MSI की तरफ से आने वाला B450 Gaming X मदरबोर्ड और दूसरा है यहाँ पे एक सेकेंडरी मदरबोर्ड जो भी यहाँ पे MSI की तरफ से ही आता है। अब यहाँ पे जो हमारा जिसके अंदर ज़्यादा हैश रेट जनरेट हो रही है ना, जो कि है 956 की हैश रेट के साथ जो काम कर रहा है, उसके अंदर हमने 7 GPU को इंस्टॉल किया है और वहीं 503 हैश रेट जहाँ पे जनरेट हो रही है उसके अंदर मैंने जो है वो 3 GPU को इंस्टॉल किया है। अब ये टोटल हैश रेट मिला के बना दे रहे हैं यहाँ पे 1.45 किलो हैश रेट के आसपास। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दो वीडियो सजेस्ट करी थी, उन दोनों वीडियो को देख लेना जहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा सेटअप आप अपने घर में खुद से रेडी कर सकते हो। अब दोस्तों वहाँ पे हमने आपको इथेरियम क्लासिक या इथेरियम कॉइन माइन करना सिखाया था, लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको जो है वो मोनेरो कॉइन माइन करना है तो वो कैसे करोगे? सिंपली देखो, आपने एक फ्लाइट सीट उस वीडियो के अंदर इंस्टॉल करी थी, सिंपली फ्लाइट सीट के अंदर आ जाना। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपके पास एक ऐड न्यू फ्लाइट सीट का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे मोनेरो कॉइन सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस डाल देना, जो वॉलेट एड्रेस आपको जो है अपने बाइनेंस अकाउंट में मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे से आपको आपका मोनेरो का एड्रेस मिल जाएगा, आप पहुँच जाओगे अपने हाइव ओएस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस जो है वो डाल दोगे, पूल अपना सेलेक्ट करना नैनो पूल के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही अपने नैनो पूल के अपने एरिया जो सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट करना, उसके बाद अपना माइनर सिलेक्ट करना, वो होगा नैनो माइनर। अब ये सेम वही प्रोसेस है जो आपने प्रोसेस पिछली वीडियो के अंदर अपनाई थी जहाँ पे हमने CPU से माइन करना सिखाया था मोनेरो कॉइन, ठीक है। जैसे ही आपने सेटअप कर लिया, क्रिएट फ्लाइट शीट के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे से अपने रॉकेट को लॉन्च कर दिया, जैसे कि यहाँ पे है ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो अपने क्रिएट फ्लाइट शीट के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिंपली यहाँ पे आपकी फ्लाइट शीट क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको XMR मोनेरो की फ्लाइट शीट देखने के लिए मिल जाएगी। अब फ्रेंड्स क्या करना है, सिंपली वर्कर के अंदर आना है, जिस भी माइनिंग सेटअप के अंदर जो है वो आपको मोनेरो कॉइन माइन करना है, सिंपली आप उसके अंदर आ जाना, जैसे कि मेरे को ये वाली रिक के अंदर करना है, फ्लाइट शीट के अंदर आना और ये रॉकेट को लॉन्च कर लेना, सिंपली आपका यहाँ पे मोनेरो कॉइन माइन होने लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ अपना वॉलेट एड्रेस उठाना और यहाँ पे नैनो पूल की वेबसाइट के अंदर आना और इस एड्रेस की जगह पे यहाँ पे इसको डाल देना, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे आपने कितने मोनेरो कॉइन माइन कर लिए हैं और कितनी हैश रेट यहाँ पे आपकी जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे केस के अंदर 4200 की हैश रेट जनरेट हो रही है, जहाँ पे मैंने अभी तक 0.00141 मोनेरो कॉइन माइन कर लिए हैं। और यहाँ पे दोस्तों अभी अनकन्फर्म कॉइन कितने हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी निकलेगी। मैं सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ coinwatch.com की वेबसाइट के अंदर, जहाँ पे हमारा मोनेरो कॉइन की प्रॉफिटेबिलिटी ये निकालेगा। देखो अभी मेरे केस के अंदर 1.45 के आसपास की हैश रेट निकल के आ रही है और मेरा पावर कंजप्शन, यहाँ पे आपको पावर कंजप्शन भी दिखाएगा कि भाई आपका पावर कंजप्शन कितना हो रहा है, 486 वॉट के आसपास का हो रहा है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, 486 वॉट के आसपास लिखता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल सेम रखता हूँ, जो है वो पूल हमारा कोई भी चार्ज नहीं ले रहा है, मैं सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट के अंदर क्लिक करूँगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो डेली का मेरा जो है वो $1.12 के आसपास का आएगा, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ही यहाँ पे ज़्यादा चले जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के लिए मोनेरो कॉइन अभी माइन करना सही है या नहीं है। देखो मैं आप लोगों को ये कभी भी नहीं बोलता हूँ, कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता हूँ अपने एंड से कि भाई आप इतने बड़े बड़े सेटअप्स में यहाँ पे अपना पैसे को डालिए, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी आज नहीं देखना चाहते हो, आज इन प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में खरीदना चाहते हो और प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहते हो आने वाले 2-3 साल बाद, तो डेफिनेटली जो है वो आपको आज ये प्रोडक्ट सस्ते सस्ते भावों में बाय कर लेने चाहिए दोस्तों, क्योंकि यही प्रोडक्ट अगर आप कल जाके बाय करोगे या जो है वो आप जब बुल रन होगा मार्केट के अंदर तब जाके बाय करोगे, तब ये आपको 90,000 के एक ग्राफिक कार्ड सेल होते हुए मिल जाएंगे। अगर मैं वहीं अमेजोन की बात करूँ, आज ये ग्राफिक कार्ड आपको 30,000, 35,000, 36,000, मैं सिंपली 3060 Ti जिससे मैं माइन कर रहा हूँ आज,
ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ, 3060 35,000 का मिल रहा है, 35,000 का मिल रहा है, 38,000 का, 35,000 का, यहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड आपको जो है वो अदर मार्केट के अंदर 30,000 32,000 के अंदर सेल होते हुए मिल जाएंगे। और ओवरऑल अगर आपको इतना बड़ा फार्म बनाना है तो भाई यहाँ पे मेनली नीड होती है ग्राफिक कार्ड की। यहाँ पे आपको बड़े बड़े सीपीयू की लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो है वो आप बड़े बड़े मदरबोर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सिंपली जो नॉर्मल से हमारे पास जो अभी मदरबोर्ड पड़े हुए हैं वो भी लगा लोगे। जो मैंने मदरबोर्ड लगा रखा है वो 8,000 का है और दूसरा जो मदरबोर्ड है वो 3,500 रुपये के आसपास का है। पावर सप्लाई थोड़ी सी हैवी आपको लेनी पड़ सकती है। अगर इतना बड़ा सेटअप बनाना चाहते हो तो आपसे आपका जो बिल आएगा आज के रेट के हिसाब से 2 से 3 लाख रुपये के आसपास आएगा। लेकिन अगर आप यही सेटअप बुल रन के अंदर बनाओगे तो यही सेटअप आपका 5 से 6 लाख रुपए के आसपास बनने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आप उस टाइम पे, मैं अगर उस टाइम पे इथेरियम क्लासिक माइन करूँगा या मोनेरो कॉइन माइन करूँगा, मैं डेली का $30 या $35 की प्रॉफिटेबिलिटी उस टाइम पे निकालूंगा। लेकिन आज के रेट के हिसाब से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और आज के रेट के हिसाब से अगर आपको सेटअप रेडी करना है तो वो वेल एंड गुड है, सही समय है सेटअप रेडी करने का। लेकिन अभी इससे आप माइनिंग करके प्रॉफिट निकालने की बात करोगे तो वो नहीं होगा। हाँ, इवन अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो आप इससे प्रॉफिट डेफिनेटली आज के रेट के हिसाब से भी निकाल सकते हो, चाहे मोनेरो कॉइन माइन करो, चाहे यहाँ पे आप जो है वो इथेरियम क्लासिक कॉइन माइन करो। तो भाई ये वीडियो जिसको भी पसंद आई है डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे से आप अपने घर बैठे बैठे अपने ही लैपटॉप से मोनेरो कॉइन्स को माइन कर सकते हो। अगर आपके पास एक एक्सटर्नल पीसी पड़ा हुआ है जहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स लगे हुए हैं, डेफिनेटली फ्रेंड्स वहाँ से आप मोनेरो कॉइन माइन करो। फ्री टाइम में गेमिंग करते हो तो भाई गेमिंग के जगह मोनेरो कॉइन माइन कर लो, क्या पता आपका जो है वो मोनेरो कॉइन का प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो जाए। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको सब चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है जरूर से अपने दोस्त के साथ शेयर करना, और चैनल के अंदर नए हो, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो पर एंड करते हैं, धन्यवाद।